तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पर ये गलतियां कर रहे हैं तो आपका चैनल भी हो सकता है डिलीट। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन दोस्तों अभी यूट्यूब ने एक ऐसा कांड कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आप हालाँकि जानते होंगे टेक्निकल बाबा नित्या के नाम से एक YouTube चैनल था जिस पर 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे, यानी कि 40 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे, और उस भाई का चैनल जो YouTube ने डिलीट कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो जो है लगभग आज से 6-7 दिन बाद मैं बना रहा हूँ, हालांकि जब उनका चैनल डिलीट हुआ था लगभग आज से 6-7 दिन हो गए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक YouTube ने उनका चैनल जो है वापस नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर भाई की गलतियों को यूट्यूब ने बताया कि वो जो है कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन के कारण उनका चैनल जो है डिलीट किया गया है, लेकिन दोस्तों अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही थी, लेकिन कुछ टाइटल टैक्स डिस्क्रिप्शन हैं जिसकी वजह से उनके चैनल को जो है यूट्यूब ने हटा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube पर कोई भी वीडियो या अपलोड करते हैं तो कोई भी अगर भड़काऊ टाइटल या टैग डालते हैं या जो भी स्पैम होता है, जैसे कि आप बताते हैं कि आप अपने दूसरे के WhatsApp को अपने फ़ोन में कैसे चलाएं, हालांकि ये भी बहुत सारी वीडियोस पर बनी हुई हैं, या फिर आप बताते हैं कि दूसरे की लोकेशन को कैसे ट्रेस करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करती हैं। हालांकि मैंने भी कुछ वीडियो बनाई हुई थी, जैसे कि मैंने बताया था कि आप फ्री वाला हॉटस्टार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप रिलीज के दिन कैसे मूवी देख सकते हैं, या और भी कई सारी वीडियो थी जिनको मैंने आज ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं चाह रहा था कि कोई भी हमारे YouTube चैनल के साथ जो है कोई आगे चल के भविष्य में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अभी मेरा YouTube चैनल कोई बहुत बड़ा नहीं है और इस पर कोई इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती, हालांकि दोस्तों लेकिन फिर भी अगर किसी का YouTube चैनल चला जाता है तो दुख तो होता है। तो दोस्तों, इसलिए आप भी भाई की भी के जिस चैनल के साथ जो हुआ है उससे आप सीखिए, अपने YouTube चैनल को एक बार देखिए कि अगर आपके भी चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो है तो मैं चाहूँगा आप उसको रिमूव कर दें या फिर प्राइवेट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुई YouTube की नज़रों में आई तो YouTube हो सकता है उस वीडियो को रिमूव कर दे या फिर स्ट्राइक दे दे, या काफ़ी मात्रा में अगर आपके चैनल पर वीडियो पाई जाती हैं तो चैनल भी डिलीट कर सकता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि टेक्निकल बाबा नित्य का जो चैनल है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, और भाई के जो फैमिली है वो यूट्यूब पर ही डिपेंड है, यानी कि भाई की जो मैं अगर मंथली इनकम बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आती थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं जिस भाई के पास या जिस फैमिली के पास 2.5 लाख रुपए आ रहे हों, अगर उनका इनकम सोर्स छिन जाए तो उनके दिल पर, उनके घर वालों पर कैसा बीत रहा होगा। तो इसलिए अगर आप YouTube पर डिपेंडेंट हैं तो आप भी अपने YouTube चैनल में जो भी गलतियां हुई उनको सुधार कीजिए, और अगर आप लंबे समय तक YouTube पर रहना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर में ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में यही था, मैंने भी चाहा कि आप सभी को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊं कि आप ये गलतियां ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने ये गलती की हुई है तो YouTube से उन वीडियो को तुरंत ही रिमूव करें। तो यही थी छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।